माय लॉर्ड, डॉक्टर सई, जो कि मेरे पति की पूर्व पत्नी है, ये हमारी जिंदगी में बस एक ही इरादे से आई है, मेरे परिवार को तोड़ने के इरादे से। इनके दिल में मेरे लिए नफरत इतनी ज्यादा भरी हुई है कि इनकी ये नफरत इनके काम, इनके फर्ज, इनके डॉक्टर्स की शपथ और इनके जमीर पर भी भारी पड़ गई। जब मैं इनके पास एक मरीज की हैसियत से गई थी तो इन्होंने मेरा इलाज करने के बजाय मुझसे बदला लिया। उसी का नतीजा है कि अब मेरी कोख हमेशा के लिए सुनी रहेगी। कल तक तो मेरे घर वाले मुझे अपने सर पे बैठा कर रखते थे, लेकिन आज उन सभी लोगों ने मुझसे अपनी नजरें तक फेर ली। किसकी वजह से? डॉक्टर सई की वजह से। कहने को तो हम सभी लोग बहुत मॉडर्न हो गए, लेकिन आज भी जो औरत उनका घर का वंश आगे नहीं बढ़ा सकती, वो ससुराल में आज भी बोझ होती है। और मुझे बोझ बनाया है इन्होंने, डॉक्टर सई ने, जो खुद को नागपुर की बेस्ट डॉक्टर होने का दावा करती है। और इस सब में डॉक्टर सई का साथ देने वाले ये भी है, डॉक्टर पुलकित। इन दोनों को डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है, ये दोनों इस पवित्र पेशे पर लगा एक बदनुमा दाग जिसे आपका फैसला ही मिटा सकता है। मुझे बस इतना ही कहना था योर ऑनर। थैंक यू। माय लॉर्ड, हम पर लगाए गए सारे इल्जाम गलत हैं, झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। डॉक्टर पुलकित ने और मैंने हमारे काम में कोई लापरवाही नहीं बरती। मिसेस पत्रलेखा जवान का ऑपरेशन हमने इसलिए किया क्योंकि हालात ही वैसे थे, इमरजेंसी थी, इसीलिए हमें। इमरजेंसी थी या आपने इमरजेंसी क्रिएट की थी? अगर आपने एक्सीडेंट के वक्त मिसेस पत्रलेखा चव्हाण को देखा होता तो मुझसे ये सवाल नहीं करते सर। माय लॉर्ड, मिसेस पत्रलेखा चव्हाण को बहुत चोटें आई थी, उनका बहुत खून बह चुका था और आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं था। जो बड़ा हॉस्पिटल था वो 3 घंटे की दूरी पर था और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था कि उन्हें इतनी दूर उस हॉस्पिटल में ले जा सके, इसलिए हमने मिसेस चव्हाण को पास के ही नर्सिंग होम में एडमिट कर दिया था और वहीं उनका ऑपरेशन भी किया। आप चाहें तो डॉक्टर सत्या से पूछ सकते हैं, उन्होंने उस नर्सिंग होम का अच्छे से मुआयना भी किया है। विद योर परमिशन माय लॉर्ड। परमिशन ग्रांटेड। कुछ भी बोलने से पहले मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूंगा कि आप दोनों क्या सोचकर इस ऑपरेशन को करने के लिए राजी हुए थे? अभी तो आपको डॉक्टर सई ने कहा ना, इट वॉज एन इमरजेंसी, ये एक इमरजेंसी केस था। मतलब इमरजेंसी इतनी आ गई, आपने उसी पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया जो आपके रिश्ते में है। ये जानते हुए भी कि डॉक्टर सई को उनसे पहले से प्रॉब्लम है, मुझे तो लगता है कि आपका इसके पीछे कोई निजी स्वार्थ था। या जैसा कि भी वकील साहब ने कहा, आपने आपदा में अफसर ढूंढा। आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर सत्या? डॉक्टर पुलकित ने और मैंने आउट ऑफ द वे जाकर इनकी जान बचाने की कोशिश की थी। कोशिश क्या की थी, जान बचाई है। हाँ, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इमरजेंसी में प्राथमिकता पेशेंट की जान बचाना होता है, न कि ये देखना कि वो हमारा रिश्तेदार है या नहीं। लेकिन डॉक्टर सई, प्रोटोकॉल्स तो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। आप कहना क्या चाहते हैं, कि पेशेंट को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? हाँ, मर जाने देती ने। ये क्या बोल रहे हैं? अब होश में तो है, अब खुद एक डॉक्टर हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? डॉक्टर सत्या, आप अदालत में खड़े होकर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? माय लॉर्ड, जब डॉक्टर पुलकित और डॉक्टर सई यही साबित नहीं कर पा रहे कि एक इमरजेंसी केस था भी या नहीं, तो इससे अच्छा तो ये पेशेंट को ऑपरेशन ही ना करते, पेशेंट को मर जाने देते। डॉक्टर्स होने के नाते डॉक्टर सई और डॉक्टर पुलकित की जिम्मेदारी थी
कि पेशेंट को इमरजेंसी के वक्त ट्रीटमेंट दें, उसकी जान बचाने के लिए जो भी हो सकता है करें। सभी डॉक्टर्स ये शपथ लेते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। मुझे पता है मालॉर्ड, और मैं यही पॉइंट रखना चाह रहा था कि जिस शपथ को लेकर एक डॉक्टर अदालत के कटघरे में गुनहगार बनकर खड़ा हो जाए, उस शपथ का फायदा ही क्या है, खासकर कि तब जब आपके सामने एक ऐसी इमरजेंसी आए जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास आसपास कोई हॉस्पिटल ना हो लेकिन एक नर्सिंग होम हो जो उस ऑपरेशन के लिए बना ही ना हो। और हम किस इमरजेंसी पर बहस रहे हैं सर, क्या मिसेस चमन अपने पहले ऑपरेशन के बाद ठीक नहीं हो गई थी? तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि डॉक्टर पुलकित ने और डॉक्टर सई ने अपना काम बहुत अच्छे से किया था? हाँ, अच्छे से किया, इतने अच्छे से किया कि इन्हें सर्जरी एक नहीं दो बार करनी पड़ी। इससे पता चलता है कि ये दोनों कितने काबिल डॉक्टर हैं। दूसरी बार सर्जरी की वजह ऑपरेशन की नाकामयाबी नहीं बल्कि मिसेस पत्रलेखा चव्हाण की लापरवाही थी। आपके पास इस बात का सबूत है? कोई गवाह है? जी मैं हूँ गवाह। माय लॉर्ड, मेरी आखिरी गवाह मिसेस चव्हाण है। मैं जानता हूँ कि मैं अदालत का बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, लेकिन माय लॉर्ड, मेरी इस आखिरी दलील से ये साबित हो जाएगा कि डॉक्टर जोशी और डॉक्टर पुलकित ने बिना किसी रीजन के इनका गर्भाशय निकाला था। ये डॉक्टर सत्या सई के केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? कहीं सई के साथ कोई पुराना हिसाब पूरा तो नहीं कर रहा है? काकू, सही को ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शायद उसी चीज का बदला ले रहे हैं। मिसेस चव्हाण, आपने यहाँ पर सबकी बातें भी सुन ली और अभी भी आपके हस्बैंड ने जो स्टेटमेंट दी, क्लियरली वो तो डॉक्टर सही के पक्ष में है। डॉक्टर सही ने भी अपनी सफाई पेश कर दी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर सही को इंसानी तौर पर कैसे देखती हैं? वो डॉक्टर कैसे हैं ये तो आपने बता दिया, इनफैक्ट आपने तो ये भी बता दिया कि वो मेडिकल प्रोफेशन पे एक कलंक है, लेकिन यहाँ पे सब लोग जानना चाहते हैं कि आप उनको इंसानी तौर पर कैसे देखती हैं। किसी के प्यार में सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।